हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम एडमिशन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि गुजरात स्टेट ऑफ फार्मेसी काउंसलिंग से आपकी ये आपके जो एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। कमीशन ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन गुजरात स्टेट में जो ACPC आपका लगता है, वहाँ पर एडमिशन आपके ये फार्मेसी में स्टार्ट हो चुके हैं। क्या एडमिशन प्रोसीजर रहने वाला है, क्या रजिस्ट्रेशन डेट रहने वाली है, डिटेल में डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आगाने वाली वीडियो में हम और नई ऐसी रिगार्डिंग आपकी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ बने रहिए। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो बात करते हैं जो गुजरात फार्मेसी काउंसलिंग ऑफ इंडिया ने जो ये एडमिशन रिगार्डिंग 2023 एंड 2014 पर आपका ये एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। एंड इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फार्मेसी के लिए एंड ऑनलाइन एडमिशन यहाँ पर होंगे। एंड जो इसमें एडमिशन क्राइटेरिया है वो आपके होंगे ऑनलाइन एडमिशन प्रोग्राम फॉर द डिग्री डिप्लोमा फार्मेसी कोर्स आफ्टर द 12th साइंस। अगर आपने 12th पर साइंस पास की हुई है तो आप गुजरात स्टेट से अपनी फार्मेसी कर सकते हो। एंड इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें जो बताया हुआ है, इसमें आप जैसे कि देख सकते हैं, फॉर एडमिशन द फर्स्ट ईयर डिप्लोमा फार्मेसी 12th साइंस आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। एंड आपके 33 सिटीज यहाँ पर हैं एंड 50 सीटेड गुजरात के लिए। एंड जो 2023-14 के लिए आपकी यहाँ पर एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा एंड साइबर कैफे से आप वहाँ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एंड एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पर बताई हुई है, 95% सीटें तो गवर्नमेंट ऑफ ग्रांट एडिया इंस्टीट्यूशन एंड 50% टोटल सीटें हैं वो अनएडेड इंस्टीट्यूट के लिए। एंड जो अगर आप 12th पास हो 2023 में, अगर आप 12th पास हो और गुजकेट में आप अपीयर हुए हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर आपने गुजकेट नहीं दी हुई है तो आप ACPC के थ्रू एडमिशन नहीं ले सकते हैं गुजरात इंडियन फार्मेसी काउंसलिंग में। अगर कोई भी कॉलेज भी हो तो आप गुजकेट तो देनी ही पड़ेगी, नहीं तो आपको डोनेशन से वहाँ पर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाना होगा। अगर आपने गुजकेट नहीं दिया है, ACPC में नहीं रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो आपको वहाँ पर मैनेजमेंट कोटा के तहत आपको एडमिशन मिलेगा। ये आपको गुजरात फार्मेसी काउंसलिंग से ये ACPC के थ्रू यहाँ पर एडमिशन नहीं दिया जाएगा। एंड बात करते हैं इसमें जो कि आपकी ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहने वाला है। इसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका स्टार्ट हो चुके हैं 9/5/2023 से आपकी ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि लास्ट डेट है 5/6/2023, इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। शाम 5 बजे तक आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। अगर रजिस्ट्रेशन की फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो हम आगे आने वाले 1-2 दिन में आपको रजिस्ट्रेशन की पूरी डिटेल देने वाले हैं, कैसे आपको ACPC में एडमिशन के लिए आपको अप्लाई करना है, पूरी डिटेल वाइज आपको वहाँ पर बताने वाले हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो इसमें जो फीस रहने वाली है वो आपकी 350 रहने वाली, जो कि नॉन रिफंडेबल है फॉर 2023-24 के एडमिशन के लिए। एंड जो ऑनलाइन फैकल्टी बाय द ACPC होते एडमिशन प्रोसेस यानी टॉप टाइप ऑफ द फैसिलिटीज़, आपको ये जो एडमिशन की जो वेबसाइट दी हुई gujacpc.admission.nic, यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, चॉइस फिलिंग, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रिजल्ट एंड जो आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी वो आपको इस वेबसाइट पर ही देखने को मिलेगी। एंड दूसरी जो फर्दर वेबसाइट है जो आप यहां से देख सकते हैं। एंड यहां पर आपको अपना फॉर्म सबमिट कराना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा पहले ACPC में, अगर आपको 12th पास होना चाहिए। 12th पास होने के बाद में अगर आप गुजकेट में अपीयर हो इस साल तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। एंड अगर आप नहीं अपीयर हो गुजकेट में तो आप इसके लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन जरूर कीजिएगा। एंड अगर आप मैनेजमेंट कोटा से भी आपको वहां पर एडमिशन मिल जाएगा। लास्ट डेट 5/6/2023 है। आगे वाली वीडियो में हम रजिस्ट्रेशन की इस पर पूरी डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू गाइस।